नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, तीन बार ये टीम आईपीएल के फाइनल में अपनी जगह बना चुकी है, पर तीनों ही बार खिताब जीतने से चूक गई। विराट कोहली की अगुवाई में आरसीबी ने एक लंबा सफर तय किया है, पर कभी भी ट्रॉफी हाथ में नहीं आई। इसके पीछे की वजह भी कई है। कभी भी आरसीबी के पास बढ़िया गेंदबाज नहीं रहा, डेथ ओवर्स के गेंदबाजों की हमेशा कमी रही और हर सीजन ये नजारा देखने को मिला। हाँ, बल्लेबाज तो ऐसे ऐसे आए जिसको खरीदने की तमन्ना हर टीम को रहती है। आरसीबी इस मामले में लकी रहा, पर स्लॉग ओवर्स के गेंदबाजों ने हमेशा अपने फैंस और अपने कप्तान को धोखा दे दिया। एक एक ओवर में 25 रन आसानी से लुटा देते हैं आरसीबी के गेंदबाज और यहीं पर टीम मुकाबला हार जाती है। हालांकि आईपीएल 2020 के सीजन में आरसीबी के तेज गेंदबाजों ने बढ़िया प्रदर्शन किया है, जबकि कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी बल्लेबाजी भी की है। फिर भी कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देख यही लगता है कि इन्हें फौरन टीम से निकाल देनी चाहिए। आइए आपको बताते हैं ऐसे ही उन तीन खिलाड़ियों के बारे में जिनकी जगह आरसीबी खेमे में अब तो नहीं बनती है। पहला नाम है उमेश यादव का। उमेश यादव का प्रदर्शन साल 2017 और 2018 के आईपीएल सीजन में शानदार रहा था। दोनों सीजन मिलाकर उमेश यादव ने कुल 37 विकेट अपने नाम किए थे, जिसमें 20 विकेट उन्होंने 2018 के आईपीएल सीजन में लिया। पर अगले ही सीजन यानी कि 2019 के आईपीएल सीजन में उमेश यादव का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। मात्र 8 विकेट ही वो चटका पाए और इस सीजन शुरुआती के 2 मुकाबलों में उमेश यादव ने खूब रन खर्च कर दिए, लेकिन कोई भी विकेट उन्हें नहीं मिला। ऐसे में आगे कोई मैच शायद ही उमेश को खेलने का मौका मिले। कुल मिलाकर साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो उमेश यादव की आरसीबी की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बनती है। दूसरा नाम है तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का। हर बार की तरह इस आईपीएल सीजन में भी अच्छा प्रदर्शन करने में मोहम्मद सिराज नाकाम रहे हैं। उन्होंने ना तो ज़्यादा विकेट निकाले हैं और काफ़ी महंगे जरूर साबित हो चुके हैं। आपको बता दें, मोहम्मद सिराज ने 3 मुकाबलों में सिर्फ 3 ही विकेट अपने नाम किए हैं अब तक इस सीजन की मैं बात कर रहा हूं, जबकि उनका इकॉनमी रेट लगभग में 10.20 का रहा है। इसलिए मोहम्मद सिराज की जगह आरसीबी की प्लेइंग 11 में बनती तो नहीं है। तीसरा नाम है आरन फिंच का। फिंच एक ऑस्ट्रेलिया के जबरदस्त सलामी बल्लेबाज हैं और कप्तान भी हैं। अपनी ताबड़तोड़ पारियों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन जब आईपीएल में प्रदर्शन की बात आती है तो आरन फिंच हमेशा फिसड्डी साबित हुए हैं। अब तक आरसीबी की तरफ से उन्हें ओपनिंग करने के लिए मौका मिला है कुल 8 मुकाबलों में, लेकिन आरन फिंच के बल्ले से कोई धुआंधार पारी देखने को नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने शुरुआत तो जरूर अच्छी दिलवाई है, लेकिन वो अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए हैं। फिंच की इसलिए टीम में जगह नहीं बनती है। खैर, इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।